सर वैसे मार्केट आज शानदार रिकवरी दिखाई है मार्केट ने, लेकिन वोडाफोन का स्टॉक 3% से ज्यादा टूटा हुआ है। सवाल वोडाफोन के स्टॉक पर ही पूछ रहे हैं, वोडाफोन का स्टॉक कैसा लग रहा है? जितेंद्र जी का सवाल है अबाउट वोडाफोन। देखिए जितेंद्र जी, अगर ऐसी मार्केट में स्टॉक नहीं चल रहा है तो मतलब स्टॉक नहीं चलेगा। मेरा वोडाफोन आइडिया पे शुरू से नेगेटिव व्यू था। मैंने OFS पर लेकर 11 रुपए पर लेकर 16-17 रुपए पर बेचने की बात करी थी। उसके बाद से मैं हमेशा वोडाफोन पर नेगेटिव रहा हूँ। मैंने हर बार बोला, मैंने 16 रुपए पे बोला, 15 रुपए पे बोला, मैंने 12 रुपए पे बोला, मैंने हर लेवल पे बोला, OFS के प्राइस तक पर आपको बोला कि अब निकल जाइए, अब निकल जाइए अगर आप नहीं निकले हैं तो। ठीक है, अब आप 6 रुपए का हो गया स्टॉक, अब तो क्या ही बेचेंगे ना, अब तो फिर इसको एज डेड वो रख के अलमारी में रख दीजिए। अब वो मतलब अगर चलेगा तो चलेगा, क्योंकि अब क्या है ना कि 6 रुपए से बहुत ज्यादा खोने को तो है नहीं। आपको इंडिया में जीरो से नेगेटिव माइनस में तो स्टॉक जाते नहीं है, जैसे क्रूड वगैरह तो माइनस में चले जाते हैं, इंडिया में माइनस में जाने का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसके लिए ठीक है, रखिए उसको, क्या उसमें वो कर सकते हैं। सर वैसे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हम लगातार CNBC आवाज के थ्रू आपके तक पहुंचाते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स में भी मार्केट को लेकर पॉजिटिविटी दिख रही है सर। गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट हो गई, CLSA की रिपोर्ट हो गई, रैली दिखती नजर आ रही है उनको। और आज ही जब मैंने रिपोर्ट ब्रोकरेज रिपोर्ट दी थी तो फार्मा एक ऐसा सेक्टर है जिसमें गोल्डमैन सैक्स बुलिश नजर आ रहे हैं।